प्रेमियों जय सच्चिदानंद। हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी की लीला अपरंपार है। मेरे श्री गुरु महाराज जी भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले ब्रह्मदर्शी महापुरुष हैं। उनकी लीलाओं का गान करते करते भक्त कहता है कि हे प्रभु, आपकी तारीफ में जिस वक्त मैं सब कुछ कह गया, मुझसे मेरे दिल ने कहा बाकी बहुत कुछ रह गया। गुरु महाराज जी की लीलाएं अनंत हैं। जिस समय दादा गुरु महाराज जी की आदेशानुसार श्री गुरु महाराज जी सत्संग प्रचार की अनंत यात्रा पर निकले, तो सर्वप्रथम भक्तों की प्रार्थना से लक्की पधारे। गर्मी के दिन थे, लक्की निवासी प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी को एक खुले स्थान पर, जहां केवल चार दीवारी ही बनी थी, वहीं पर ठहराया। श्री गुरु महाराज जी उन दिनों बहुत साधारण वेश में रहते थे। केवल एक लंबा चोला पहनते थे और सिर पर तौलिया ओढ़ते थे। चरणों में पहनने के लिए जोड़ा है अथवा नहीं है, इसकी गुरु महाराज जी को कोई परवाह नहीं थी। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से बिल्कुल बेपरवाह थे और दिन रात भक्तों के हित चिंतन में ही लगे रहते थे। गुरु महाराज जी सत्संग का प्रचार, सरिता, उपदेश बहाने लगे। गुरु भक्ति, आध्यात्म, विज्ञान, सहज योग के गुण सत्संग को सुनकर लक्की के प्रेमी अपने आप को धन्य मानने लगे। और जिसने भी गुरु महाराज जी के गुण सत्संग को सुना, तो आसपास के गांव से भी बहुत प्रेमी जन आकर श्री गुरु महाराज जी से उपदेश लेने लगे। वहां का दृश्य भी एक विलक्षण दृश्य था। एक दिन गर्मी बहुत अधिक थी, रात्रि के समय बहुत बारिश होने लगी। भक्तजन तो अपने अपने घरों में आनंद पूर्वक बैठे थे। इस बात को किसी को विचार नहीं आया कि श्री महाराज जी बाहर विराजमान हैं, तनिक उनका भी तो पता करना है। लेकिन माया के पर्दे में सब भूले रहे। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यदि किसी को विचार भी आया तो मन ही मन में सोचने लगे, अरे अब तो श्री गुरु महाराज जी किसी के घर चले गए होंगे, अथवा वहां कोई सेवादार पहुंच गया होगा। इधर श्री महाराज जी के परम प्यारे भक्त श्री हेमराज जी, जिनका दर्शन आप श्री निजातम प्रभु के रूप में करते हैं, जो भगवान के सच्चे आशिक, सच्चे प्रेमी होते हैं, उनके अंदर प्रीतम के प्रति वो मीठा मीठा दर्द, हल्का हल्का दर्द होता ही रहता है। और श्री हेमराज जी के हृदय में गुरु महाराज जी के प्रति बहुत अनुराग था। ये अपने मन में चिंता कर रहे थे कि पता नहीं श्री गुरु महाराज जी इतनी भारी वर्षा में भीगे होंगे अथवा किसी के घर गए होंगे। प्रेम के कारण दिल में एक मीठा मीठा दर्द उनके हो ही रहा था। उसी प्रेम वेदना को लिए हुए श्री हेमराज जी श्री गुरु महाराज जी का पता करने के लिए कुछ भक्तों के साथ हाथ में लांटे लेकर चल पड़े। बाजार में पानी ही पानी चल रहा था। वर्षा के कारण थोड़ी सर्दी भी हो गई थी। जब आप उस हवेली में पहुंचे जहां श्री गुरु महाराज जी खुले मैदान में बैठे थे, तो जाकर देखा उनके पवित्र स्थान से लगभग 5-5 फुट पानी पीछे हटा हुआ था और मेरे गुरु महाराज जी का आसन बिल्कुल सूखा था। ये अद्भुत दृश्य देखकर श्री हेमराज जी चकित रह गए। मुख से कुछ कह नहीं पाए, दंडवत प्रणाम करके एक ओर बैठ गए, परंतु मन में सोच रहे थे, पश्चाताप भी कर रहे थे कि ये तो साक्षात मालिक हैं। श्री हेमराज जी अपनी इन्हीं विचारों में मगन थे कि श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भक्त हेमराज जी, इस समय अंधेरी रात में कैसे आना हुआ? अब श्री हेमराज जी सोच में पड़ गए, अब महाप्रभु को क्या उत्तर दें, क्या कहें इनसे कि आपको वर्षा से बचाने आए थे अथवा सूर्य को दीपक दिखाने आए थे?
कई बार दिल के उद्गार को वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने प्रार्थना की, श्री गुरु महाराज जी, इतनी वर्षा हो रही थी, हमने सोचा कि आप खुले मैदान में बैठे हैं, आप भीग गए होंगे, इसी विचार को लेकर हम यहाँ आपको किसी मकान में ले जाने आए थे। भक्त जी के ये वचन सुनकर श्री महाराज जी बोले, भैया यहाँ तो वर्षा नहीं है, यदि वर्षा हो तो हम आपके साथ चलते हैं। उस समय का दृश्य भी देखने योग्य था प्रेमियों। प्रेम में विभोर होकर भक्त हेमराज जी श्री चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आपकी माया आप ही जानो। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। हे प्रभु, सब स्थानों पर इतनी वर्षा हुई, यहाँ कोई वर्षा नहीं है, इसमें क्या भेद है? श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, ये तो वर्षा वाले से ही पूछो। क्या हमने किसी को रोका है कि यहाँ वर्षा मत करो? जब वो और स्थानों पर वर्षा कर सकता है तो यहाँ भी वर्षा करे, हम तो हर स्थिति में हर परिस्थिति में प्रसन्न है। प्रेमियों, अपने श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं अनंत हैं, इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में हमें यही प्रार्थना करनी है कि गुरु महाराज जी, इस दुनिया में न हमें अमीर रहना है न गरीब रहना है, जब तक रहना है आपके करीब रहना है। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।